तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लास्ट क्लास यहाँ रुका था। हम लोग BRAs इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारा कैश बुक का कौन सा कॉलम बेटा, बैंक कॉलम, और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करता है। तो आज हम लोग वो सारे रीजंस लिख लेंगे, समझ लेंगे, जिसके कारण ये दोनों बैलेंस मैच नहीं करता। और बेटा ये पॉइंट भी अगर आप सीख गए ना तो आपका एकदम मज़ा आ जाएगा इस चैप्टर में। तो अपने कॉपी में लिखना स्टार्ट करेंगे, रीजंस फॉर डिफरेंस इन बैलेंस, रीजंस फॉर डिफरेंस इन बैलेंस। क्या रीजंस हैं डिफरेंस आने का, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। रीजंस फॉर डिफरेंस इन बैलेंस। तो बेटा अच्छी तरह से देखेंगे, ये कैश बुक और ये पासबुक, 6-7 रीजंस आज हम लोग समझ के जाएंगे अच्छी तरह से। ये आपका कैश बुक है बेटा, ये पासबुक, दोनों में बैलेंस 1000 1000 इक्वल है क्या? देखो तो दोनों में इक्वल है। कैश बुक का हम लोग बैंक कॉलम बोलते हैं बेटा, भूलना मत। कैश बुक का कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। कैश बुक का बैलेंस है 1000, कैश बुक डेबिट बैलेंस बोलेगा, तो पासबुक भी 1000, कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। ये बैलेंस बराबर है। अब मैं एक एक रीजंस आपको समझाऊंगा जिसके कारण ये डिफरेंस आता है। फर्स्ट पॉइंट देखना बेटा, फर्स्ट पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। चेक इशू किया, हम लोग से कोई पैसा पा रहा था, हमने उन्हें चेक दे दिया, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बट वो जिससे भी मैंने चेक दिया वो बैंक पे पैसा लेने नहीं गया। सपोज मैंने किसी पार्टी को 200 रुपया का चेक दिया, कोई किसी कोई पैसा लेने आया, उसे 200 का चेक दिया। जैसे मैं चेक दूंगा ना, कैश बुक में एंट्री कर दूंगा, कैश बुक तो मेरे पास रहता है ना बेटा, और पासबुक किसके पास रहता है? बैंक के पास। मैंने चेक इशू कर दिया 200 रुपीज का, तो कैश बुक में मैं एंट्री कर दूंगा और 200 रुपीज कैश बुक में कम जाएगा बैलेंस। तो देखिए तो बेटा कितना बैलेंस हो गया, कैश बुक का 1000 रुपीज था और मैंने किसी पार्टी को 200 का चेक दे दिया और मैं उसका रिकॉर्ड भी कर दिया कैश बुक में। तो कैश बुक में कितना बैलेंस आएगा बच्चा लोग? 800। सब क्लियर है? क्योंकि मैं उसका एंट्री करूंगा, मैं जो भी ट्रांजेक्शंस करूंगा मैं उसका कैश बुक में एंट्री डालता हूँ, कैश बुक के बैंक कॉलम पे। कम गया कैश बुक, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट वो इंसान बैंक पे नहीं गया लेने के लिए, वो इंसान बैंक पे नहीं गया लेने के लिए, बैंक से पेमेंट नहीं हुआ। से हम लोग अगर ये सारा काम 31 दिसंबर 2021 का कर रहे हैं, तो हम लोग दिसंबर के लास्ट में किसी पार्टी को चेक दे दिया 200 रुपया का, से 26 दिसंबर को ही दे दिया, 26 दिसंबर को, और हाथों हाथ मेरा अकाउंटेंट एंट्री कर दिया कैश बुक कम गया। पर जिसे भी हमने चेक दिया था वो बैंक पे नहीं गया लेने के लिए, बैंक पे नहीं गया लेने के लिए, तो बैंक से तो कमा ही नहीं ना बेटा। लो तो बैंक पे एंट्री नहीं हुआ, नो एंट्री। वो दिसंबर तक नहीं गया, वो जाएगा जनवरी फरवरी में। भाई आप ही हो, आपको मैंने 200 रुपया चेक दे दिया, तो आप कभी नहीं जाओगे क्या बैंक पे? लेके आना है बैंक से पैसा, लेना है ना? नहीं लेना, आपको लेना है। आप लोग 31 दिसंबर तक नहीं गए, तो आप लोग जाएंगे जनवरी पे ना? छोड़ देंगे। हाँ देखो ये लोग जाएगा, गुड़िया लोग जाएंगे जनवरी में जाएंगे। अभी 31 का शौक है, 2 साल मिस हुआ, इस बार सेलिब्रेशन पे लगे, तो आप लोग जनवरी पे जाएंगे। तो दिसंबर तक का बात तो सोचे, 31 दिसंबर को आपने चेक इशू किया, आपने पेमेंट किया, आपका कैश बुक का बैलेंस कम गया, आपने
बैंक पे तो पेमेंट ही नहीं गया, बैंक से पेमेंट ही नहीं निकला, तो बैंक पे एंट्री नहीं है। तो बैंक का बैलेंस कितना दिख रहा है बेटा? 1000। पहले तो दोनों का बैलेंस पूरा बराबर था, 1000 1000। देखो एक ट्रांजेक्शन्स आ गया, दोनों का बैलेंस अभी भी सेम है क्या? दोनों का बैलेंस चेंज हो गया, चेंज हो गया, हो गया ना। ये फर्स्ट रीजन है, फर्स्ट रीजन है कि क्यों डिफरेंस आता है ये कैश बुक और पासबुक का बैलेंस पे। तो बेटा हमने चेक इशू कर दिया, हमारा कैश बुक में एंट्री कर दिया, कैश बुक कम गया, कैश बुक कम गया, और वो कस्ट जिसको भी हमने दिया है, जो पार्टी है वो दिसंबर तक लिया नहीं, ले लेगा वो जनवरी पे, आगे चलकर 3 महीना तक चेक का वैलिडिटी रहता है, तो दिसंबर नहीं तो जनवरी पे ले लेगा, बट 31 दिसंबर तक बैंक से पेमेंट नहीं हुआ। तो ये देखो डिफरेंस आ गया। तो फर्स्ट रीजन क्या है बेटा? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। फर्स्ट रीजन क्या है बेटा? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आप चेक इशू करेंगे तो पहले कहाँ पे एंट्री होगा बेटा? पहले कहाँ पे? कैश बुक पे। और फिर उसके बाद जब वो जिसे भी आप चेक दिए वो बैंक पे जाएगा, बैंक से जैसे पैसा निकालेगा अब बैंक अकाउंट से कट जाएगा। लाइक आप लोग भी बहुत सारे बच्चे ट्यूशन फी चेक से दिए हैं, तो आप जब चेक से जिस दिन दोगे उसी दिन एंट्री कर दोगे कि मेरा अकाउंट से पैसा कट गया आपके अकाउंट से, डन बेटा। बट सपोज वो मंथ के लास्ट 26 दिसंबर को ही दिया और हमने दिसंबर तक बहुत बिजी थे, बैंक पे नहीं गए, वो चेक लेकर हम बैंक पे डिपॉजिट नहीं किए, तो आपके बैंक अकाउंट से तो कटेगा नहीं ना अभी तक, जब तक आप, मैं नहीं जाऊंगा बैंक पे। तो ये एक रीजन है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू करने से कैश बुक का बैलेंस कम जाएगा, किसका बैलेंस कम जाएगा? आप पेमेंट करोगे तो आपका कैश बुक का बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? कम जाएगा। इशू करने के साथ साथ ही हमारा अकाउंटेंट एंट्री कर देता है तो कैश बुक कम जाएगा, लेकिन बैंक पे पहुंचा नहीं, कुछ दिन बाद नेक्स्ट मंथ पहुंचेगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो इसी को कहते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सर ये बात हमें पता कैसे चलेगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट? ये बात ऐसे पता चलेगा बेटा, ये बात आपको यहां से पता चलने वाला है, ये बात यहां से पता चलेगा, ये जब आप कैश बुक में, ये जब आप कैश बुक में इधर पेमेंट दिखाते हैं ना, कैश बुक में पेमेंट है ना बेटा, बाय रिचा लिमिटेड, रिचा लिमिटेड को आपने पे किया है ना 20,000, दिख रहा है बेटा? ओके, मैं 15 को ये पासबुक आएगा, आपने ये पे किया, पासबुक में चेक करेंगे, पासबुक में चेक करेंगे, रिचा 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 नहीं है। ओके थोड़ा मेरा नजर कमजोर है, आप लोग का तो नौजवान नजर है देखो ना, और रिचा है तो बड़ा दिखेगी तुम लोगों को, ठीक है आगे कोई बात नहीं। देखो तो रिचा को पेमेंट दिखाया क्या? यस पेमेंट हो गया, ऐसे मिलाते हम लोग, ये मिलाने वाला सब भी करेंगे, तो इस तरह से एक एक आइटम मिलाते, ये सब जो जमा किया ये सब भी चेक करते, हम डिपॉजिट करेंगे पासबुक भी डिपॉजिट दिखाएगा, हमने कैश जमा किया पासबुक भी कैश दिखाएगा, एक एक आइटम को टैली करेंगे आप लोग इंटर पास करने के बाद ऑफिस में बैठकर, पासबुक आपके साथ सामने रहेगा प्रिंट आउट, कैश बुक का भी प्रिंट आउट ले लेंगे एकदम आराम से, एसी ऑन करके मोबाइल ऑफ करके, कोई डिस्टर्ब मत करना बीआरएस बना रहे, एक एक आइटम को आप चेक करेंगे और इस तरह से आइडेंटिफाई होगा कि कौन सा प्रेजेंटेड हुआ कौन सा नहीं। यहाँ पे दो दो ऐसा सम रखे हैं प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, जो रियल लाइफ पे हम लोग करते हैं, बट एग्जाम पे नहीं आया अभी तक, बट हम लोग आपको एकदम रियल लाइफ पे जैसे काम होता है वो भी सिखाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इस तरह से हम लोग पता करेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ये एक रीजन हो गया, फर्स्ट रीजन क्लियर है बेटा? यस सर। फर्स्ट क्या है बेटा? उधर से आवाज ना आई,
चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू करने से कैश बुक कम जाएगा। भाई बोलना है, भाई भाई बोलना है, नवंबर तक याद रखना है, मई तक। चेक इशू करने से कैश बुक का बैलेंस कम जाएगा। अरे पेमेंट करते भाई, पेमेंट करेंगे तो बैंक बैलेंस कम जाएगा। खास ऐसा होता पेमेंट करने से बैंक बैलेंस बढ़ जाता, आप लोग 10 बार डीजल भी दे देता। पेमेंट करने से बैंक बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम जाएगा, ठीक है। और बैंक पे पेमेंट हुआ ना नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? वो अभी बिजी था 31st सेलिब्रेशन पे, वो कभी नहीं जाएगा ना, नेक्स्ट जनवरी पे जाएगा, जनवरी पे जाएगा ना। ऐसे मत सोचते ना कि कभी नहीं जाएगा, डन बेटा। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। उधर से आवाज नहीं आ रहा भाई, चेक इशू करने से कैश बुक का बैलेंस कम जाएगा। बेटा ये क्लास 10 का बच्चा को भी बोलने से बोल देता है वो लोग फटाफट। चेक इशू मतलब पेमेंट किया ना, तो कैश बुक का बैलेंस कम जाएगा। नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट यानी पासबुक में, पासबुक का बैलेंस सेम है, डन बेटा। ओके, आपने शोले मूवी देखा है? देखा है? गब्बर ठाकुर को क्या बोलता, तेरे दोनों हाथ मुझे दे दे। बेटा शोले में ठाकुर का दोनों हाथ गब्बर के लिए था, है ना बेटा? सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट के ये दोनों हाथ बीआरएस के लिए, किसके लिए? बीआरएस के लिए। राइट एंड कैश बुक बोलो बेटा, बेटा दिखा के, ओनली राइट एंड, मेरे को मत देखना उल्टा दिखेगा, अपना देखना, तो छोड़ी लो गलती हो जाएगा। राइट एंड, राइट एंड कैश बुक, बेटा ऐसे बच्चा के तरह पढ़ाते हैं आप लोग, बच्चा ही बन के पढ़ो, 21 साल से पढ़ा रहा हूँ, कोई बड़ा टीचर के तरह नहीं पढ़ाता, एकदम छोटा बच्चा। टिंग टिंग टिंग, लेफ्ट हैंड पासबुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, बराबर है। चेक इशू किया, चेक इशू किया, कैश बुक कमेगा, मेरे को मत देखना, कैश बुक राइट हैंड कमेगा, कम गया। बैंक पे नो एंट्री, ऐसे ही लाना, बैंक पे नो एंट्री, डन, बराबर। अरे बराबर, अरे सच्ची घटा, गब्बर को बुला लेंगे, बराबर ना डिफरेंस। हाँ, बीआरएस में क्या करेंगे, इस डिफरेंस को खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास, आज यही करेंगे। फिर से इक्वल, राइट एंड कैश बुक, अरे करो बेटा आप लोग करो, ऐसे करते करते 90+ मिलेगा। लास्ट ना कोई बात, ओनली राइट हैंड, लेफ्ट हैंड पासबुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, दोनों हाथ बराबर। ओके, चेक इशू करने से कैश बुक कमता है, बात के साथ साथ स्टेप भी करो, चेक इशू करने से कैश बुक कमता है, बैंक से पेमेंट नहीं हुआ, नो एंट्री, ठीक है। कल आए, परसों आएगी मिलन की घड़ी, परसों आएगी, छोड़ा लोग चलिए, वाह कौन आएगी, अरे मिलन की घड़ी, अकाउंट्स की मैम नहीं पढ़ाएगी। ओके ओके, परसों आएगी मिलन की घड़ी, या तो क्या, या तो इसको नीचे करेंगे या इसको इसको ऊपर, और इसी पे 10 नंबर है। बेटा समझ में आ गया? Yes, sir. आप हाथ को रिलैक्स करो आप लोग, हाँ एक बार, मैं भी जवान हूँ 50 ईयर्स का, मेरे को करने दो फिर से एक बार, आप लोग को नहीं करना, आप लोग दूसरा स्टेप है। राइट एंड कैश बुक, लेफ्ट एंड पासबुक, चेक इशू करने से कैश बुक कमता है, बोलने के साथ साथ करना भी, हाँ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, बैंक पे नो एंट्री, बराबर ना डिफरेंस। परसों आएगी मिलन की घड़ी, या तो कैशबुक को प्लस करेंगे या पासबुक को माइनस, यही है बीआरएस। रीजन नंबर 1 क्लियर? ऐसे में 10 रीजन समझाऊंगा बेटा, 10 रट लिया 2 दिन में, आपको एकदम मजा आ जाएगा बीआरएस। छाप लो।
चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. बेटा मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है, फीलिंग से लिखना हाँ, थोड़ा नहीं बुरा ही खराब है, बहुत बुरा है मेरा हैंडराइटिंग, मैं भी नहीं समझता हूँ कभी कभी, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करना, फीलिंग से चलेगा. एज इट इज छापो बेटा. इसको एकदम 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 कॉपी एकदम जेरोक्स कर लो एज इट इज, कुछ भी ना छूटे. कहीं भी एक छोटा सा फुल स्टॉप डाल दिया वो भी डाल देना. डन बेटा. अब नहीं भूलना है, फिर से बोलना. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड क्या मतलब? राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक. चेक इशू किया, चेक इशू करेंगे तो कैश बुक खमेगा. जैसे वो डांस वाला म्यूजिक आता है ना, किसी को बोलना भी नहीं पड़ता, पैर ऐसे ऐसे हिलने लगता है, वैसे 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 वैसे, इट्स लाइक दैट. चेक इशू किया तो ये हिलना चाहिए. कौन सा? कैश बुक. राइट हैंड कैश बुक. मेरा हाथ मत देखना, मैं उल्टा दिखूंगा आप लोगों को. कम कर देंगे बैंक से नो एंट्री. क्लियर बेटा? बीआरएस रिकॉन्साइल करना है दो बैलेंस को, तो या तो हम लोग ये पासबुक को माइनस करेंगे या कैश बुक को प्लस. यही है, सिर्फ ये इफेक्ट कहाँ हुआ ये समझ लेना. और बहुत आसान है बेटा. ये पॉइंट वन छोड़ो, डन. आइए देखो 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 देखो, बैलेंस बराबर है. देख लो बेटा, बैलेंस बराबर है. yes, अभी मैं जादू करता हूं. देखो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड या क्रेडिटेड. हम लोग डिपॉजिट करने से बैंक क्रेडिट करता है, सिखाए थे ना बेटा. हमने डिपॉजिट किया 200 रुपया का चेक. भाई इसका स्विच ऑफ कर दो ना, साउंड आ रहा है. जाओ जाओ. चेक डिपॉजिट किया 200 रुपया का, नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड. हम लोग दिसंबर 31 दिसंबर के आजू बाजू 200 रुपीज का चेक या कैश, 200 रुपया हम लोग बैंक पे डिपॉजिट कर दिया. बेटा जब हम लोग बैंक पे डिपॉजिट करते हैं ना, तो हाथों हाथ अपने कैश बुक में एंट्री करेंगे. करेंगे बेटा? कैश बुक में एंट्री कर देंगे कि मेरा 200 रुपया बैंक पे जमा हो गया. तो 1000 रुपया का बैलेंस था पहले से, 200 और डिपॉजिट कर दिए, तो कैश बुक का बैलेंस 1200 हो जाएगा. ये सर नो बेटा? कैश नहीं, बैंक कॉलम. क्या कॉलम बेटा? बैंक कॉलम. 1200 हो जाएगा बेटा. आपका बैंक पे 1000 रुपया था और आपने 200 और जमा किया 1200. किसी कारणवश बैंक पे डिपॉजिट नहीं आया, मतलब 31 दिसंबर तक नहीं आया, तो बेटा यहाँ पे तो एंट्री नो एंट्री, बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय बैंक. बैंक ने एंट्री नहीं किया. तो बेटा जब आप 31 दिसंबर तक बैंक का स्टेटमेंट मंगाओगे और अपने कैश बुक में देखोगे कि यार हम तो पैसा जमा किया बैंक पे और बैंक का पासबुक क्रेडिट नहीं किया, तो आप बैंक को बोलोगे कि ये सर क्या हुआ, हम तो जमा करवाए, हमारे पास डिपॉजिट स्लिप है, आपने जमा क्यों नहीं किया? तो बैंक वाले फिर चेक करेंगे, बोलेंगे ओहो भूल हो गया, गलती हो गया हमसे. देन बेटा आईसीआईसीआई बैंक वैंक है तो आपको पिज्जा वीजा खिलाएगा, सॉरी सर ऊपर ये मत करो. और SBI होगा, ज़्यादा गुस्सा करोगे अकाउंट क्लोज करो, बैंक को जुआ दम दे देगा. तो ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब बैंक होगा तो सॉरी सॉरी मैम, सॉरी सर बहुत गलती हो गया. और SBI होगा, ज़्यादा उस्तारी मारता है अकाउंट क्लोज करो. ना वो मजाक कर रहे हैं. तो आप BRS बनाओगे तो ही तो आपको पता चलेगा
कि आपने चेक जमा किया, आपने चेक जमा किया और बैंक पे नहीं हुआ। डन बेटा। अभी लास्ट फाउंडेशन बैच का एक बात कर रहे हैं। लास्ट फाउंडेशन बैच कभी खत्म हो गया? बहुत पहले। एक स्टूडेंट है 20,000 या 22,500 चेक से पैसा दिया था और बेटा वो हमने जमा भी कर दिया और बहुत बिजी थे, बीआरएस नहीं बनाए। तो बेटा बीआरएस बहुत दिन नहीं बनाए, बैच हो खत्म। अभी 10-15 दिन पहले बैंक स्टेटमेंट निकाला, वो वाला चेक क्लियर ही नहीं हुआ था। वो बच्चा पढ़ भी लिया, वो बच्चा का सिलेबस भी खत्म, वो बच्चा चला भी गया। सच्ची कहानी है। तो फिर ऊला लला हो गया हम लोगों का, यार 22,500 रुपया चेक उसके हिसाब से उसने दे दिया, अच्छा बच्चा है, और हमने जमा भी कर दिया, और हम जैसे उल्लू लोग बीआरएस नहीं बनाए, टाइम नहीं था, और इतना दिन के बाद बनाए, बच्चा भी चला गया। फिर वो पूजा मैम कॉल की, कल वो कैश लेकर आएगा। थैंक यू बीआरएस देवता, अगर आप ना होते तो वो बच्चा के बैंक अकाउंट से कटता भी नहीं, प्रेरणा के अकाउंट में आया भी नहीं, और प्रेरणा ट्यूटोरियल्स ने सारे सर को पैसा भी दे दिया। तो 4 साल में तो हमारा तो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। उधर से बच्चा चेक देगा, ये लोग सोच रहा ओ ऐसे अपने चेक को ठोका दी, क्लियर ना हो ट्यूशन हो जाओ, और सर तो गया बेटा नहीं लेंगे चेक, आप लोग से अब ध्यान रखना। तो बेटा ये एकदम इंस्टेंट अभी अभी का इशू है। वो बच्चा कल आएगा देने के लिए, वो अच्छा बच्चा, आप भी अच्छे हो, बट उसे भी तो पता नहीं ना कि वो क्लियर नहीं हुआ, और हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये कौन बचाया हम लोगों को? बीआरएस। सोचो सोचो इस बीआरएस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो जैसे चेक जमा करते हैं ना, हम लोग के पास एक रजिस्टर है बैंक पे एंट्री करने का, वहां लिख देते जमा हो गया, और फिर उधर से स्टेटमेंट लेके आते, एक एक एंट्री को मिलाते, और उला वाला हो गया हमारे लास्ट संडे को। भाई 200-300 रुपया रहता तो बात अलग है, पूरा एक ट्यूशन फी 22,500 तो इज टू मच। सोचो बेबी किसने बचाया? बीआरएस ने। तो हम लोग वो चेक कर रहे थे कैश बुक का, पासबुक का, वो मिला ही नहीं। फिर बैंक पे विनोद भैया गए, बोले कि इतना दिन पहले चेक दिया था तो कुछ उसमें मिस्टेक था उसलिए नहीं हुआ। अब ऐसा होते रहता है कभी कभी। तो ये भी तो हो गया, देखो चेक कैश डिपॉजिटेड बट बैंक पे एंट्री नहीं हुआ, तो बीआरएस करेंगे, पता चल जाएगा, दौड़ के बैंक के पास जाएंगे, अरे सर ये तो देखिए डिपॉजिट किया था, तो बैंक वाला कुछ गलती होगा या ठीक कर देगा, और मैंने वो लोग ठीक कर दिया जाएगा, बर्बाद नहीं होगा। लेकिन ये बात पता ही नहीं चलेगा ना अगर आप बीआरएस नहीं बनाओ। बेटा जो चैप्टर आप सीख रहे हो ना एकदम रियल लाइफ पे एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके जनरेशन में तो है ही, आप लोग सब तो ऑनलाइन ही काम करते हो, है ना बेटा? एकदम जरूरी है। अब बेटा डिफरेंस का रीजन देखो, तो कैश बुक का बैलेंस कितना हो गया बेटा? उधर दिखता है भाई बैलेंस कितना? कैश बुक 1200, पासबुक इक्वल है? इक्वल नहीं है ना। डन बेटा, ये रीजन नंबर टू। क्या था रीजन नंबर टू? चेक या कैश डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाई बैंक। डन बेटा। ओके ध्यान से सुनना बेटा, गब्बर को बुलाए क्या? नहीं चाहिए ना, सोले पार्ट टू चाहिए क्या? नहीं, केजीएफ पार्ट टू तो आ गया, देख लिया, पार्ट थ्री का इंतजार लगा दिया हमने, बड़ा सस्पेंस डालता है। पता है हम लोग 11 के बच्चों के साथ केजीएफ पार्ट बताया था ना तुम लोगों को, 11 के साथ गए थे, अब उन लोग केजीएफ 3 भी बुक कर लिया कि हम लोग के साथ ही चलना है। ये बेटा राइट एंड कैश बुक, आ जाओ बेटा, दोनों हाथ एक साथ नहीं, राइट एंड कैश बुक, बेटी दोनों हाथ एक साथ नहीं, लेफ्ट हैंड पासबुक, डिपॉजिट करने से कैश बुक बढ़ता है। बोलो बेटा, सम तो 40 सम आप ही तो करोगे ना, आज ही थोड़े ना करेगा। डिपॉजिट करने से कैश बुक बढ़ता है, बढ़ गया, बैंक पे नो एंट्री, मंडे को आएगी मिलन की घड़ी। ओके डिफरेंस आ गया yes. पक्का अपने को करना है क्या, या तो इसको माइनस करना है या तो इसको प्लस, बस वही वाला टॉपिक रहेगा,
वो बड़ा आसान है, ये समझना बड़ा तकलीफ है। आप लोग हाथ दुख जाएगा, आप लोग रुको मैं करता हूँ फिर से। राइट एंड कैश बुक। आप लोग बुढ़े हो गए क्या? मैं जवान हूँ, ठीक से जवानी भी तो नहीं आया अभी तक। तो चलो आप लोग कर सकते हैं दो तीन बार। हाँ यस कम ऑन, मैं सोचा थक जाओगे। राइट एंड कैश बुक एकदम सिस्टम से भाई। लेफ्ट एंड पासबुक डिपॉजिट करने से बैंक कैश बुक बढ़ता है। पढ़ क्या? बैंक पे नो एंट्री। बेटा मेरे को देखो मत ना, अपने हाथ को देखो, मेरे से उल्टा हो जाएगा। बैंक पे नो एंट्री। डन बेटा, आइए मिलन की घड़ी ना मंडे को आएगी। डिफरेंस आ गया ना? छोड़े ठीक है, आप लोग फिर से एक बार और सुन लो। राइट एंड कैश बुक लेफ्ट एंड पास बुक डिपॉजिट करने से कैश बुक बढ़ता है। बैंक पे नो एंट्री। डिफरेंस आ गया पक्का? वेरी गुड। चाप लो, भूलना नहीं है भाई, भूलना नहीं है, रोज रिवाइज करना है इसी को। चेक ऑब्ली कैश डिपॉजिटेड, चेक ऑब्ली कैश डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाई बैंक, बट नॉट कलेक्टेड ऑब्ली क्रेडिटेड बाई बैंक, बट नॉट कलेक्टेड ऑब्ली क्रेडिटेड बाई बैंक। देन हो गया। पीछे बैठे भाई लोग समझ में आ रहा है? हाँ उधर भाई अकेले आप, समझ में आ रहा है आपको? ओके लास्ट बेंच गुड़िया ऑल वेल। बुजी भाई ओके, बुजी भाई साहब सबको समझ में आ रहा है? आगे चलो आगे बढ़े बेटा। ऐसा 10 पॉइंट मैं आप लोग को रटा दूंगा, उसके बाद हम लोग BRS पे चलेंगे। बहुत कंसेप्ट पे काम करते हैं। और पता है आप लोग 11 पे पढ़ते होंगे, इतना समय तो कितना सम उतार लेते होंगे। यहाँ तो पहले 4 घंटा सम ही नहीं, बट 4 घंटा में इतना रगड़ेंगे आपको, इतना रगड़ेंगे जिंदगी में BRS आपके सामने में खड़ा ही नहीं होगा। अंदर से स्ट्रांग बेटा, ये डन। ओके कोई नहीं समझ में आएगा तो बेटा आप लोग एकदम बिंदास पूछ लेना, एकदम शर्माना नहीं, डरना नहीं बेटा, आप लोग एकदम दोस्ती वाला फीलिंग से पूछ लेना। तीसरा देखेंगे, आपको नहीं लिखना है जब तक मैं परमिशन नहीं दूं, जब तक मैं परमिशन नहीं दूं नहीं लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट आया डायरेक्ट पेमेंट मेड बाई बैंक, डायरेक्ट पेमेंट बाई बैंक, बैंक ने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बेटा आजकल मॉडर्न जमाना है, हम लोग के पास टाइम ही नहीं रहता है, याद ही नहीं रहता है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, मेरा जो मोबाइल का बिल होता है मेरे को पेमेंट ही नहीं करना होता है। हमने एक फैसिलिटीज ले लिया है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। मेरा हर एक महीने का बिल मेरे पास आता ही नहीं है, ऑटोमेटिकली मेरे बैंक से कट जाता है। तो मैंने वो बैंक से लेकर अपना टेलीफोन डिपार्टमेंट पे दे दिया है, ECS फैसिलिटीज ले रखा है, मेरे को याद ही नहीं रहता ड्यू डेट क्या है, मेरा कितना बार डिसकनेक्टेड हो गया, आउटगोइंग बंद हो गया, इम्पॉर्टेंट काम भी डिस्टर्ब हो जाता है, और मैं तो आपके सेवा में हमेशा लगा रहता हूँ, भूल ही जाता हूँ। तो मॉडर्न जमाने पे हम लोग बहुत सारा ट्रांजेक्शन्स का ऑनलाइन फैसिलिटीज ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, जिसपे आपके ऑफिस का बिजली बिल, जिसपे आपके ऑफिस का टेलीफोन बिल हर एक महीना एग्जैक्ट डेट, जो एग्जैक्ट डेट है ड्यू डेट, उस दिन आपके अकाउंट से कटकर वो डिपार्टमेंट टेलीफोन ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी के पास चला जाता है पैसा, और बैंक आपसे पूछता भी नहीं है, क्योंकि बैंक को आपने ऑथोराइज कर दिया है कि हर एक महीने का मेरा मोबाइल बिल, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आप लोग दे दीजिएगा, और उधर से बैंक से डायरेक्टली
इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पे चला जाता है, पहले तो कितना बार वो फोन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काटने आ जाते हैं, भूल जाते हैं, 2 महीना भूल जाओगे तो काटने आ जाता है। आप लोग भी इसका भुगते होगे कोई ना कोई, तो ये आप लोग क्या भुगते होगे आप लोग अभी पता नहीं है, बट कभी ऐसे देखेंगे। फिर आते हैं डिस्कनेक्ट करने, फिर 500 रुपया फाइन भी लगता है और मतलब एक तकलीफ ही होता है। तो हमने ECS फैसिलिटीज ले रखा है, तो जब भी हमारा बिल आएगा बैंक से पेमेंट हो जाएगा। कहाँ से पेमेंट? बैंक से पेमेंट हो जाता है। तो बैंक ने हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल 200 रुपया पे कर दिया। किसने पे किया? बैंक ने। किसने पे किया? बैंक ने। किसने? बैंक ने। तो पैसा कहाँ से कटेगा? बैंक से। ये ट्रांजेक्शन बैंक पे हो गया और बैंक वाले हमें बताए नहीं कि बैंक वाले हमें नहीं बताए कि हमने आपको 300 पेमेंट किया, तो हमने एंट्री नहीं किया, हमने एंट्री नहीं किया, नो एंट्री। वो जब स्टेटमेंट लेकर आए बैंक से, तब देखा बैंक हमको डेबिट किया है 300 रुपया और लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी। हमने ओ बैंक हमारा बिजली बिल पेमेंट किया। डन बेटा, वहां पे मैम बैठी थी, हम गए एक दिन, मैम आपने लोग क्या हमारे काउंटर पर टोका काटी से? कोई नहीं बोला गे, बोले इमर होमय ना है। ठीक है, बैंक के पास इतना टाइम नहीं है, आपको खुद पता करना चाहिए। हम बोले मैम ठीक है ठीक है। ICICI में जाता तो लोग प्यार से ही बताती कि बैठा के समझाती, और ये लोग तो SBI वाले को तो कुछ बोलते ही नहीं है, दम दे देते हैं। तो कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स बेटा बैंक पे हो जाता है, कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स बैंक पे हो जाता है, और बैंक के पास टाइम नहीं था हमें बताने के लिए, तो हमें तो पता ही नहीं है, तो हमने एंट्री नहीं किया। कब पता चलेगा? जब स्टेटमेंट लाएंगे। तब तो स्टेटमेंट, दिसंबर का स्टेटमेंट तो जनवरी में लाते हैं ना? बोलो भाई। तब तक तो देर हो गया, दिसंबर पार हो गया, हमने तो एंट्री नहीं किया। डन बेटा, ऐसे 4-4 एंट्रीज आएंगे जहां पे उस ट्रांजेक्शन का सृष्टि बैंक पे हुआ है। कहां पे? बैंक पे। और बैंक लोग बड़े डैश होते, बताते ही नहीं है, तो फिर हमने एंट्री भी नहीं किया। डन बेटा, डैश मतलब बिजी होते, ठीक है, डैश मतलब बुरे होते, डैश मतलब कुछ भी डाल दो जो सिचुएशन परमिट करता है, गंदे भी होते। देन बेटा बिजी होते अभी, तो कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स बैंक पे होता है, बैंक पे होता है, बैंक पे होता है, पासबुक में, पासबुक में, पासबुक में एंट्री हो गया, आपको पता ही नहीं था, तो आपने कैशबुक में एंट्री नहीं किया। पता कब चलेगा? जब महीना खत्म हो जाएगा, स्टेटमेंट लाएंगे, वहां से देखेंगे, और टन 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 फिर हम लोग एंट्री करेंगे। कैसे एंट्री करोगे वो सिखाएंगे, एडजस्टेड कैश बुक, लास्ट 2 डेज का जो BRS एकदम सुपर वाला होगा जो रियल लाइफ पे होता है। तो बेटा ये समझा बेटा, ये ट्रांजेक्शंस का सृष्टि कहां से हुआ है? बैंक से। एंट्री कहां हुआ है? बैंक पे। आपने क्यों नहीं किया? पता ही नहीं था, बैंक लोग बड़े डैश होते, ठीक है, हमें बताते नहीं, आपको खुद पता चल जाएगा स्टेटमेंट देंगे तो। राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, ठीक है। बैंक से पेमेंट हुआ है, किससे? बैंक से पेमेंट होने से पासबुक कमेगा, छोरी मेरी कोई देख रही है, पास लेफ्ट हैंड पासबुक कमेगा, तो और कमा कंजूस है आगे, ओके 300 के हिसाब से कर रही हो, देख लो ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, 300 इतना ही गिराना आगे डन, ठीक है। कैश बुक में नो एंट्री, बैंक वाले डैश है, बताए नहीं, डन डन। मंडे को आएगी गड़े, या तो ऐसे करना है या तो ऐसे करना है, ठीक है। फिर से राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, बैंक से पेमेंट हुआ, बैंक बोलो और एक्शन भी करो, बैंक से पेमेंट हुआ, 300 देख लो बेटी, इज इट ओके? 300, माई हैंड इज ओके, ओके मैम दिस वन 300 ओके, थ्रो ऊपर करे, ओके ओके थैंक यू।
कैश बुक नो एंट्री, बैंक वाले डैश है बताए नहीं। डिफरेंस आ गया? यस सर। आ गया पक्का? मिलन की घड़ी मंडे को आएगी। तीसरा पॉइंट क्लियर? ठीक है, डन बेटा, एकदम डन। फिर घर में जाके रोना तो ना नहीं कि समझ में नहीं आया। 50 बार समझाऊंगा मैं और समझा के ही रहूंगा। छोड़ना नहीं बेटा, भागना नहीं है, डरना नहीं है, सब सक जाएंगे। आ जाओ बेटा एक बार फिर से। ट्रिंग टिंग टिंग हो, राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, बैंक से पेमेंट हुआ, पासबुक कम गया, बैंक वाले डैश है क्या बताए नहीं ना, बैंक वाले डैश है बताए नहीं, कैश बुक पे नो एंट्री। मंडे को आएगी विलन की घड़ी। वो दिन को हीरोइन को ला दूंगा बोर्ड पे, देख लेना, लेकिन देखो ये है। ओके चलो, कौन सा हीरोइन चाहिए? वो बोले हीरो चाहिए। ओके बोलो, ए क्या डिफरेंस आए क्या? ओह फाइन, ठीक है। देखो तो बेटा ये पासबुक का कितना बैलेंस 700, कैश बुक का कितना बैलेंस? अरे तुम्हारे बैंक अकाउंट से कटा, तुमने लिखा क्यों नहीं? बैंक वाले डैश है बताए नहीं। कोई बैंक के ऑफिसर ऑफिसर तो नहीं है यहाँ पे? सॉरी, बैंक वाले डैश मतलब बहुत बिजी है। हाँ मैं और कुछ नहीं बोल रहा, किसी के पापा किसी के मम्मी बैंक पे काम कर रहे होंगे तो दे आर वेरी बिजी ये बोल रहे, और नहीं कर रहे तो कुछ भी लगा लो। डन बेटा, बेटा और बताओ ना, समझ में आया? और भूलना भी नहीं है बेटा, दिमाग गजनी भी नहीं होना है, ध्यान रखना। आमिर खान गजनी हो सकता है, आपको नहीं होना है। छाप लो, छाप लो बेटा, कॉपी कर लो। भाई समझ में आ रहा है? उधर सबको समझ में आ रहा है? आप लोग बहुत दूर दूर से अलग अलग जगह से पढ़ के आए हो, मेरे लिए बड़े चैलेंजेस है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। 21 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। बस एक चैप्टर के बाद आपको चेहरा देख के समझ लेंगे, और किसी को अभी समझ नहीं आ रहा है तो बोल देना बेटा। डन बेटा, एकदम समझा के ही छोड़ेंगे, और डांटने उठने का कोई बात नहीं। आप लोग बड़े प्यारे प्यारे हो, डांट उठ का कोई चक्कर नहीं है, जितना बार पूछना है पूछते रहो। एकदम डरना नहीं, एकदम नहीं डरना, एकदम सोचना कि बात कर से मैं बड़े भैया से बात कर रहा हूँ। ऐसे बाय द वे मैं अंकल के एज का हूँ, बट बड़े भैया से बात कर ऐसे सोच लेना। ओके, एकदम फील फ्रीली, कुछ भी डरना नहीं, कुछ भी टेंशन नहीं। हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे बीकॉम वुकॉम पास करने नहीं जा रहे। दिस इज डन। और बोलूं बेटा? नो, ठीक है। अभी अभी चार चार बैंक वाले डैश से आएंगे, चार चार। सबसे अच्छा ये वाला लगता है जब आता है। देखो कोविड पीरियड पे ये बहुत होता था, डायरेक्ट पेमेंट बाई कस्टमर इन बैंक, ये हमेशा होता था। और आप लोग भी आजकल यही करते हो, एडमिशन लेना है सीधे पे कर दो, आप लोग बैंक में पे कर देते हो। कोविड पीरियड पे हम लोग बहुत भुगता ये सबको लेकर। स्टूडेंट्स अपने घर में रह के पढ़ाई करते थे, उन लोग ट्यूशन फी ऑनलाइन पे कर देते थे, ऐसा बहुत बार हुआ है प्रेरणा पे। वो लोग मंथ के लास्ट में पे करते हैं, दिसंबर के लास्ट में, और वो पेमेंट का एक स्लिप होता है ना, स्क्रीनशॉट लेके शेयर करना भूल जाते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? कोविड है, ऑफिस बंद है, आप फी पे कर दोगे, बैंक पे पैसा आ जाता था प्रेरणा का, प्रेरणा ट्रेडर्स का बैंक पे आ जाता था, बट आप हमें बताते नहीं थे, और बैंक वाले डैश है, बैंक वाले भी नहीं बताते थे। तो बहुत बार हम लोग से ऐसा मिस्टेक हुआ है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑनलाइन पेमेंट कर देता था, और वो लोग भी गजनी है भूल जाता था शेयर करना पेमेंट डिटेल, तो हम लोग के पास पता ही नहीं चलेगा। हम लोग तो इंसान ही है ना बेटा, वो भी चार दीवारी में कैद है, तो बेटा एंट्री नहीं होता था कैश बुक में। तो यहां पे आपके कस्टमर ने, यहां पे आपके कस्टमर ने बैंक पे पैसा जमा कर दिया। कस्टमर ने कहां पैसा जमा कर दिया? बैंक पे, 200 रुपया। तो बैंक पे बैलेंस बढ़ जाएगा 200 रुपया? यस सर।
और ना तो कस्टमर आपसे वो पेमेंट का शेयर किया, और बैंक वाले तो डैश ही है, तो आपको पता ही नहीं चला, तो आपने एंट्री किया ना नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। ये पता तो आपको चलेगा जब वो जनवरी मंथ पे बैंक स्टेटमेंट आएगा, फिर आप एंट्री कर दोगे। डन बेटा, वो एंट्री करना भी हम लोग सीखेंगे, अभी रीजन बता कर लेते। डन बेटा, तो देखो तो कोई स्टूडेंट ने प्रेरणा ट्यूटोरियल्स के बैंक पे 200 जमा कर दिया, पहले से प्रेरणा का बैलेंस था कितना बेटा 1000, और आप में से कोई स्टूडेंट 200 बैंक पे जमा कर दिया, तो प्रेरणा का बैंक पे कितना बैलेंस दिखाएगा 1000। और हमें बताया नहीं, ना स्टूडेंट बताया ना डैश वाले लोग बताए, तो हमने एंट्री किया ना नहीं किया, नहीं किया, तो फिर हमारा बैलेंस बराबर है क्या? बराबर नहीं है, ये बैलेंस इक्वल नहीं है। डन बेटा, ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इन बैंक। बेटा कुछ कुछ ट्रांजेक्शंस मोस्टली चार जो फेमस ट्रांजेक्शंस है जो बैंक पे हो जाता है, पासबुक में एंट्री हो गया, पासबुक में प्लस माइनस हो गया, बट आपको पता नहीं है तो कैशबुक पे नहीं होता है, तो इसके कारण तो डिफरेंस आ ही जाएगा ना, उधर एंट्री हो गया इधर एंट्री नहीं हुआ, तो राइट एंड कैशबुक, लेफ्ट एंड पासबुक, कस्टमर बैंक पे पैसा जमा किया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, कस्टमर बैंक पे जमा किया, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैशबुक में नो एंट्री, बैंक वाले डैश है बताए नहीं, डिफरेंस आ गया। ठीक है, फिर से देखो, अब तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड याद हो गया ना, आज पक्का हाथ दुखेगा, घर वाले बोलेगा आज अभी कुछ करो यहाँ पे, बोलेगा आज रविश सर ने क्लासिकल ही सिखा दिया, बोलेगा पढ़ने गया तो ना डांस करे, उसका आर्ट है सिखाने का। राइट हैंड कैशबुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, उस गुड़िया के तो दुखी गया, दोनों को जोड़ के रखी है। आगे बेटा चलो, कस्टमर बैंक पे जमा किया, पासबुक बढ़ गया, बैंक वाले डैश है बताए नहीं, नो एंट्री, डिफरेंस है, हाँ याद हो गया इसको, गुड, एकदम पैटर्न रहे, एक ही तरीका से बोलेंगे, आप लोग को याद हो जाएगा, तुम कब बोलेंगे, अभी तो चौथा पॉइंट है ना, रुको फोर्थ नंबर है ना, बेटा आप लोग को याद हो जाएगा ना मेरा टर्म सब, 10 एग्जाम्पल देंगे तो बेटा 100 बार तो बोलेंगे, याद नहीं हो जाएगा, क्या ना डिफरेंस आया, तो मंडे को आएगी मिलन की घड़ी, डन। तो आज से हमें बस रीजन पता कर लेना, और नेक्स्ट क्लास तो बड़ा आसान है, या तो पासबुक से शुरू करेंगे तो माइनस करो कैशबुक प्लस, वो तो बहुत आसान है, बस ये एनालिसिस करना थोड़ा सा टेक्निकल है, बहुत नहीं, पता है सीए फाउंड से अकाउंट्स इतना इजी है, क्या बोलेंगे, 11-12 से भी इजी है, बस किसी को बोलना मत, नहीं तो ट्यूशन लेने नहीं आएगा। ठीक है, अब अच्छा जो डेमो देख रहा है ना, मजाक करें इनसे, टफ है, आ जाना। ओके लास्ट क्या बेटा, क्या बोलेंगे, राइट हैंड कैशबुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, कस्टमर बैंक पे जमा किया, पासबुक बढ़ गया, बैंक वाले डैश है बताए नहीं, कैशबुक नो एंट्री, आएगी और डिफरेंस आ गया, मंडे को आएगी लगी घड़ी, अभी तो मैं इंतजार करूँ, एकदम सस्पेंस रहेगा। ओके दिस इज ओके, एंड पॉइंट नंबर 4 ना, 10 खत्म कर दिया आज, तो मजा है, फास्ट तो नहीं हो रहा ना बेटा, समझ में आ रहा है? बेटा नेक्स्ट क्लास सबको खड़ा करके पूछेंगे, डांटेंगे नहीं, डरना मत, हाँ नहीं जो सकेगा उसको 4-5 बार और बताएंगे, ठीक है, जो नहीं सकेगा उसको और बताएंगे, डरना नहीं बेटा, बस आप लोग अपना बेस्ट देना और बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ देना, कोई एक पॉइंट 50 बार भी पूछोगे तो मैं समझाऊंगा बेटा, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक ये छोड़ेगा नहीं, ध्यान रखना। छाप लिया भाई,
डन, आइए और सिखाएंगे। ये सिखाने से पहले देखते हैं कि पुराना डाइजेस्ट किया कि नहीं। बेटा फर्स्ट बुक था, फर्स्ट पॉइंट था जो फर्स्ट नोट लिखे थे ना, डेबिट बैलेंस कैश बुक, रिविजन रिविजन, डेबिट बैलेंस कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस पासबुक फेवरेबल, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, डेबिट बैलेंस पासबुक अनफेवरेबल ओवरड्राफ्ट। बैंक हमें क्रेडिट करता है, बैंक बैलेंस बढ़ता है, बैंक हमें डेबिट करता है, बैंक बैलेंस कमता है। याद करना हम लोग को, समझाने का काम खत्म। ये पहला क्लास का, दूसरा क्लास अभी तक जो पढ़ा है। अब फर्स्ट पॉइंट था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू करने से कैश बुक कमता है, बैंक पे नो एंट्री, डिफरेंस आया मंडे को मिलन की घड़ी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड था चेक कैश डिपॉजिट करने से कैश बुक बढ़ता है, डिफरेंस नहीं, बैंक पे नो एंट्री, बिजी थे, डैश नहीं बिजी थे। जब वो नहीं बताएगा तब डैश, ऐसी गाली दे दोगी। आगे आगे, अरे डिपॉजिट है ना, तो हमने कर दिया, उन्होंने एंट्री नहीं किया, तो डिफरेंस आया मंडे को मिलन की घड़ी। तीसरा डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, कैश बुक में नो एंट्री, अब बैंक वाले डैश बताए नहीं, डिफरेंस आ गया, मंडे को आएगी विलन की घड़ी। यहाँ तीसरा पॉइंट भी सक गया। चौथा डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, पासबुक में बैलेंस कम गया है ना, ओ कस्टमर वाला के तीसरा, सॉरी गलती, वो कस्टमर वाला खत्म, वो बता दिया क्या, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर बता दिया क्या, और दो ही बताए क्या, तीन हो गया, अब मेरे को ही पता नहीं। चौथा डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इन बैंक, बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक वाले डैश बताए नहीं, कैश बुक में नो एंट्री, डिफरेंस आ गया, आज तो डिफरेंस है, मंडे को आएगी मिलन की घड़ी। यस, चार हो गया। अगर इजाजत है तो आगे बढ़ाओ, आठ तो कर लेते आज, दस नहीं होने से भी कोई बात नहीं। इसी को घर में जाके आप लोग देखना, और प्लस मैं रिवीजन भी कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, टेंशन नहीं लेना। लिखना मत, मेरे साथ साथ नहीं लिखना बेटा, आप लोग मेरा पढ़ाने का टेक्निक थोड़ा समझिए, मैं पूरा समझाऊंगा, पूरा समझाने के बाद याद कराऊंगा फिर लिखना, एकदम हड़बड़ी नहीं है बेटा। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, बैंक हम लोग से चार्ज लेता है, बैंक हम लोग से कुछ कुछ चार्ज लेता है, एटीएम चार्जेस, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, कुछ कुछ चार्जेस लेता है, और चार्जेस लेता है ना बैंक वाले डॉन टाइप का काम करते हैं, डॉन आता है ना सामान उठा के चला जाता है, कोई पूछने का नाम ही नहीं लेता है। यूपी थोड़ा सुधर रहा है, बाकी सब तो वैसे ही है। ओके, तो बैंक वाले भी ना डॉन है, हमारा 1000 रुपया रहता है, बैंक को जब काटना टन से काट लेता, पूछता भी नहीं किसी का पैसा छूने से पहले, बड़े डैश है ये लोग। तो बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, बैंक ने हमसे 50 रुपया चार्ज लिया, कितना रुपया, तो बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, माइनस, कितना हो जाएगा। और कैसे देखो इनका बदमाशी, दादागिरी, काट भी लिया अकाउंट से, बताया भी नहीं, बड़े डैश है वो। तो मेरे को पता चलेगा ना जब स्टेटमेंट आएगा तब पता चलता है, और स्टेटमेंट नहीं आएगा तो पता ही नहीं चलेगा, कटते जाएगा कटते जाएगा कटते जाएगा। ऐसे हमारे एक हुआ एक्सिस बैंक पे अकाउंट था, ऐसे खोल के रख दिए थे, अकाउंट में पैसा जमा कर दिए थे, और उन लोग हर एक महीना काटते रहता था, काटते रहता काटते रहता था, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस क्या 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 क्या, और मैं उस पर ट्रांजेक्शन ही नहीं कर रहा था तो, और उसका स्टेटमेंट भी नहीं मंगा रहा था। बाद में जब ऑडिट के समय मंगाया
मेरा दिमाग घूम गया, पैसा रखा, कुछ ट्रांजेक्शन भी नहीं किया, 1,00,000 रुपया रखा और हर एक महीना 30 रुपया प्लस GST चार्ज करके वो बढ़ा के भी ट्रांजेक्शन का 12 महीना काट लिया। उल्लू था मैं, BRS नहीं बनाता था, अनपढ़ गवार था मैं, BRS नहीं बनाता था। आप हमारी जिंदगी में आए नहीं तो तुम्हारी आंख ही नहीं खुली थी। उसके बाद बोले यार पैसा डाला तेरे बैंक अकाउंट पे, कुछ किया भी नहीं, आप पे मेहरबानी कि आप काट रहे हो। गुस्सा आया, फिर अकाउंट ही क्लोज कर दिया, सारा पैसा निकाल दिया। और पता है मेरा और मेरी चलगोरी मेरे में वाइफ है, जो न्यू कमर्स वाइफ को मैं बोलता हूँ चलगोरी, कभी भी क्लास में चलगोरी बोलना तो सर के वाइफ, और मेरी वाइफ कभी आप लोग से मिलेगी यहाँ पे आंटी नहीं बोलना, भाभी बोलना, क्या बोलना, नहीं तो होमवर्क एकदम भर भर के देंगे, ठीक है। उसको मेरे को फील नहीं हो रहा कि वो बुढ़ी हो गई है और मैं बुढ़ा हो गया, क्योंकि वो सीज माई सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बुढ़ी हो जाएगी तो कैसे होगी ना। आप लोग क्या बोलोगे, भाभी, मेरे को अंकल बोल दो चलेगा, बट मेरी चलगोरी को मैम भाभी। ओके, तो मेरा और दोनों का अकाउंट था, और सोचो 12 महीना मेरा कटा उसका कटा, और डैश वाले बताए भी नहीं। वो जो ऑडिट में हमारा सीए साहब मांगे तो स्टेटमेंट मांगाया तो एकदम उला लाला हो गया, और उसके बाद बोले कि जल्दी से जाके अकाउंट क्लोज करो, बंद कर दिया। फिर उन्होंने बोले सर क्यों कर रहे, क्यों गए, बोले हम तो नहीं गए, टाइम नहीं था, चल गोरी गए, नहीं वो बोले हैं करने के लिए, रखिए ना बस वो बोले हैं तो बस बंद करके आ गए। चलो, तो ये सब बैंक वाले लोग करते हैं, बताते भी नहीं, और आप लोग पहले आ जाते तो मेरा एक अकाउंट से 30-30 रुपया मंथली नहीं कटता ना, तो आप लोग 2 साल पहले BRS पढ़ने आ जाते, 2-3-4 साल पहले, एटलीस्ट मेरे को तो ध्यान रहता। ओके, पढ़ा पढ़ा के कितना सीखते हैं, सर आप हमें फी दो, क्या चीज का फी देंगे, हमसे सीख रहे हो, बेटा पिज्जा खा लेना कभी, पैसा मत मांगना, ठीक है। ओके, तो बैंक हमसे चार्ज लेता है तो बैंक हमें बताता नहीं है। बेटा मेरे एक बात ध्यान रखना, जब परसों से मिलन की घड़ी आएगी तो एंट्री हुआ ना, नो एंट्री, तो फिर कैश बुक का बैलेंस और बैंक का बैलेंस मैच ही नहीं हुआ। सर ये बात पता कैसे चलेगा आपको, स्टेटमेंट लाएंगे, वो स्टेटमेंट दिसंबर का स्टेटमेंट तो जनवरी पे लाएंगे, डन बेटा, राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, बैंक वाले चार्ज लिए, चार्ज लेने के साथ से फीलिंग्स लाओ, फीलिंग्स, बैंक वाले चार्ज लिए, पासबुक कम गया, कैश बुक नो एंट्री, बैंक वाले डैश है, बताए नहीं, डिफरेंस आ गया, क्या आ गया, मंडे को आएगी। फिर आप लोग जल्दी रिपीट करोगे ना तो मैं बोलना कम करूंगा, अगर पूरा समझ, फिर से एक बार, राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, बैंक वाले चार्ज लिए, पासबुक कम गया, कैश बुक में नो एंट्री, बैंक वाले डैश है, बताए नहीं, डिफरेंस आ गया, सिर्फ एक ही पॉइंट याद है, डिफरेंस आ गया। मंडे को आएगी की घड़ी, डन, सी सो हैप्पी, छोड़े और समझाए, ये सब ट्रांजेक्शन का सृष्टि कहां पे हुआ है, बैंक पे। बेटा 4-5 ट्रांजेक्शन का सृष्टि बैंक पे होगा तो बेटा टन से बोलना सर बैंक पे एंट्री हो गया, कहां हो गया, और टन से बोलना बैंक वाले डैश है, बताए नहीं, कैश बुक में नो एंट्री, सम्स में इतना नहीं बोलना पड़ेगा, उस समय रिकॉल होगा अपने आप। बेटा आगे बढ़ाओ, छाप लो, बेटा आप लोग को बोले थे बैंक डेबिट करने से क्या होता है, बेटा क्या सिखाया था,
बैंक डेबिट करता है ना, तो बैंक हमसे पैसा लेता है, बैंक हमसे पैसा लेता है। बेटा जिसको थोड़ा इंग्लिश कम आता है, जो मेरे तरह है, तो लिख लेना बैंक काटा है, डेबिटेड मतलब बैंक काटा है, लिख लेना बेटा हिंदी में बैंक काटा है, लिया है हमसे, डेबिटेड जहाँ लिखा है ना बेटा, जिसको थोड़ा इंग्लिश कम आता है, जो मेरे तरह है, वो लिख लेना बैंक लिया है, ऐसा भी जो बैंक लॉइस है, अपने अपने घरेलू लैंग्वेज पे लिख लेना, बैंक लिया है हमसे, डेबिटेड, डन बेटा। आगे पाँच हो गया, पाँच हो गया, आगे बढ़ो, आगे थोड़ा आप लोग एक्टिव हो जाओ तो मैं फास्ट हो जाऊंगा, और नहीं रहेंगे तो फिर वो बच्चा के तरह टिंग टिंग बोलते रहूंगा। कितना नंबर पॉइंट? बैंक अलाउड या क्रेडिटेड इंटरेस्ट। बेटा बैंक पे हम लोग का दो टाइप के अकाउंट होता है, एक करेंट अकाउंट और एक सेविंग्स अकाउंट। बिजनेसमैन को करंट अकाउंट खोलना होता है, उसमें कोई लिमिट नहीं है, उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बट सेविंग्स अकाउंट होता है ना, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता है। प्रेरणा ट्यूटर्स का जो अकाउंट है वो सेविंग्स अकाउंट है, हम लोग सेविंग्स ही खोल के रखे थे क्योंकि हमारा बैंक के साथ ट्रांजेक्शन ज़्यादा नहीं होता था, सब हम लोग कैश कैश ही लेते थे। तो प्रेरणा का आज तक सेविंग्स अकाउंट ही है, करंट अकाउंट नहीं है, और उतने ज़्यादा अमीर भी नहीं है, पैसा ज़्यादा नहीं होता करोड़ों करोड़ों की करंट अकाउंट खोले, तो हमारा सेविंग्स अकाउंट है। तो बैंक वाले हम लोग को क्वार्टरली मंथ क्वार्टरली इंटरेस्ट देते हैं, या सिक्स मंथ पे या साल के लास्ट में। बैंक वाले को जब इंटरेस्ट देना होता है ना, हमें आके नहीं बोलता आइए गुप्ता जी इंटरेस्ट ले जाइए, ऐसे नहीं बोलते, उनका एक सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, जितना इंटरेस्ट देना है हमारे अकाउंट पर ही क्रेडिट हो जाता है, जमा हो जाता है, डन बेटा। और हमें बताते ही नहीं है, तो हमें तो पता ही नहीं है, डन। तो कहाँ पे क्रेडिट अलाउड और क्रेडिटेड मतलब बताया था ना बेटा, बैंक बैलेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। बैंक इंटरेस्ट दिया 50 रुपीज, कहाँ एंट्री होगा, तो बैंक बैलेंस कितना हो गया 1050, और कैश बुक में एंट्री नो एंट्री। बेटा कोई भी ट्रांजेक्शन देखकर फीलिंग्स आ जाना चाहिए, इमीडिएट फीलिंग्स कि ये पासबुक में एंट्री हुआ कैशबुक में नहीं। तो जिन जिन ट्रांजेक्शन्स का सृष्टि बैंक साइड से है, तो उसका एंट्री कहाँ पे हो गया, बैंक है, पासबुक में, कैशबुक में एंट्री नहीं हुआ, वो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। अभी भी मैं इतना बोलूँगा, नेक्स्ट क्लास में भी बोलूँगा, बोलते ही रहूँगा रोज, तो कैशबुक में नो एंट्री। अब देखो तो कहाँ कितना बैलेंस हुआ कैशबुक में और बैंक, बराबर है क्या, नो, डन बेटा। राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, बैंक इंटरेस्ट दिया, पासबुक बढ़ गया, कैश बुक में नो एंट्री, बैंक वाले डैश बताए नहीं, और डिफरेंस आ गया, अब तो हम ही भूल जाने लगे, अब मंडे को आएगी विलन की घड़ी, डिफरेंस आ गया ना, फिर से हाथ ही दुखने लगा यार। राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, बैंक इंटरेस्ट दिया, पासबुक बढ़ गया, कैश बुक नो एंट्री, बैंक वाले डैश है बताए नहीं, डिफरेंस आ गया, मंडे को आ गया लड़की घड़ी, ठीक है। घर में पढ़ते से मंडे को आएगी तक मत बोलना, कुछ सुनेगा कौन आएगी, लग जाएंगे पैर आपके पीछे, दो दिन ट्यूशन नहीं, वो आएगी, ठीक है, और बोलो ना, हो जाएगा। पक्का, yes, दूर बैठे लास्ट बेंच, हेलो ब्रदर्स, समझ में आ रहा है, तो एकदम पक्का छाप लो। डन, यस सर।
कितना नंबर पॉइंट होगा बेटा? सेवन. लिखना मत बेटा, बढ़िया से समझना है, एकदम बढ़िया. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑब्लिक डिविडेंड इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड इन बैंक. बेटा हमने कई इन्वेस्ट किया था, शेयर्स खरीदा था किसी कंपनी का, शेयर्स खरीदने से वहां से डिविडेंड मिलता है. थोड़ा नाम सुना है थोड़ा सा? डिविडेंड रिसीव सुना है बेटा? या कहीं पे इन्वेस्ट किया था वहां से इंटरेस्ट मिलता है. इंटरेस्ट ये डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट पे आ जाता है. कहाँ पे बेटा? बैंक अकाउंट. शेयर्स वाला काम पे आपको पेमेंट भी बैंक के थ्रू करना है, और वहाँ से जो डिविडेंड वगैरह जो कंपनी से आता है वो भी आपके बैंक अकाउंट पे आ जाता है, कैश नहीं आता. तो इंटरेस्ट और ऑब्लिक डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड इन बैंक, बैंक पे 200 रुपया इंटरेस्ट आ गया. हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर्स खरीदा था थोड़ा सा, वहाँ से डिविडेंड आया. डिविडेंड मेरे घर पे नहीं आएगा चेक वेक, वो डायरेक्टली ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है बैंक पे. कहाँ पे? बैंक पे. या कहीं मैंने इन्वेस्टमेंट किया था और उस वो इन्वेस्टमेंट पे बोल दिया था कि ये मेरा बैंक डिटेल है, आप इंटरेस्ट हमेशा जमा करते रहना, तो आपके पास कुछ नहीं आएगा, आपके बैंक पे आ जाता है. रन बेटा ठीक है, कहाँ पे इंटरेस्ट आया? आपके बैंक पे. ठीक है, डिविडेंड या इंटरेस्ट. तो आपका 1000 रुपया का बैंक बैलेंस था, आपके पास कहीं से डिविडेंड आ गया, कहीं से इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ बैंक पे, तो बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा. ठीक है, और आपको तो बैंक वाले तो डैश है बोल ही दिया, बिजी रहते हैं, तो आपको तो बताया नहीं, तो कैश बुक में एंट्री हुआ ना नहीं हुआ? नहीं हुआ. तो फिर आपका बैलेंस क्या रहेगा? 1000 बराबर तो नहीं है, डिफरेंस आ गया. सर ये पता कैसे चलेगा हमें इंटरेस्ट डिविडेंड आया? बेटा जनवरी में बैंक स्टेटमेंट मंगाएंगे ना, तो वहाँ देखेंगे पासबुक में क्रेडिट हुआ और हमने तो कुछ डाला ही नहीं था, तो वहाँ पे लिखा भी रहता है छोटा सा नरेशन इंटरेस्ट. फिर हम लोग इंटरेस्ट का पता गया, ओ इंटरेस्ट आया, ओ डिविडेंड आया. डन बेटा? तो फिर ये डिफरेंस आ गया. आ गया बेटा. तो ये कुछ ट्रांजेक्शन्स थे जिसका सृष्टि बैंक से होता है, तो सारे ट्रांजेक्शन्स का एंट्री कहाँ पे हो गया? बैंक पे. कहाँ पे हो गया? बैंक पे, और कैश बुक पे नहीं हुआ, तो डिफरेंस तो आएगा ही ना बेटा? राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, बैंक पे इंटरेस्ट आया, पासबुक बढ़ गया, कैश बुक नो एंट्री, बैंक वाले बिजी है. बताए नहीं, हाँ डिफरेंस आया. सिर्फ तुमको यही याद हुआ डिफरेंस आया? हड्डी खुआएगी मिलन की घड़ी. डन बेटा ठीक है. हाँ बेटा टोपी वाले भाई क्या बोलते हैं? हाँ कुछ तो बोल रहे हो. हाँ बोल रहे हो अरे यार गंदी बात. सीसीटीवी में सब रिकॉर्डिंग हो रहा बेटा, देखो सबका फुटेज आएगा और नेक्स्ट क्लास में चलाएंगे, देखो कौन ऐसे कर रहा है कौन वैसे कर रहा है. आगे हेलो कुछ भी करो बट समझ जानो प्रॉब्लम. हेलो बच्चा कितना ही पढ़ो, मैं भी थोड़ा सा अपना बचपना झीलूं. बोलो राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, बैंक पे इंटरेस्ट आया, पासबुक बढ़ गया, कैश बुक नो एंट्री, बैंक वाले डैश है. बताए नहीं, डिफरेंस आया. मंडे को आएगी मिलन की घड़ी. इतना एक्साइटमेंट हो गया, अब तो मिलन की घड़ी आने वाली है लगता है, आज ही दिखा दो. आप उस दिन कोई हीरोइन को लाऊंगा और देखो आ गई, आप लोग बड़ा मजा आएगा उसका, दिखा होगा कैसे होता है मिलन की घड़ी. चलो छाप लो. इंटरेस्ट ऑब्लिक डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड इन बैंक, इंटरेस्ट ऑब्लिक डिविडेंड रिसीव्ड इन बैंक.
इंटरेस्ट ऑब्लिक डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड इन बैंक, इंटरेस्ट ऑब्लिक डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड इन बैंक। थर्ड बेंच, बेटी परेशान हो क्या, एनी प्रॉब्लम? भाई इधर सब ठीक है, ऑल वेल? सात नंबर पॉइंट हो गया बेटा, सात डिफरेंसेस पता चल गया। आओ और दिखाता हूँ बेटा, उसके बाद कुछ नया नया आएगा तो हम लोग खुद सम्स में भी मैनेज कर लेंगे। जो मेन आइटम्स जो बहुत रिपीटेटिव होते हैं वो सिखा देता हूँ। चेक इशूड, चेक इशूड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट भी हो गया। पेमेंट कहां से होता है? बैंक से। बट अकाउंटेंट बिजी था आईपीएल में, अकाउंटेंट बिजी था आईपीएल में, कैशबुक में लिखना ही भूल गया, लिखना ही भूल गया। कहां बिजी था? आईपीएल में। बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देन बेटा ये वाला ट्रांजेक्शन आता है ना, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 80-90% स्टूडेंट गलती कर देता है, क्योंकि वो प्री डिटरमाइंड शॉर्ट लगा देता है। ओ चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, दिस इज नॉट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, दिस इज मिस्टेक इन कैश बुक, दिस इज मिस्टेक इन कैश बुक। आपने एंट्री नहीं किया है कैश बुक में, बैंक से पेमेंट हो गया है। आप चेक देते हो, चेक देने के साथ साथ आप कैश बुक में एंट्री करते हो, करते हैं ना? बट आप कहां पे बिजी थे? आईपीएल में, तो भूल गए। और वो लेने वाला आईपीएल नहीं देखता है, या वो मुंबई टीम का प्लेयर वो सपोर्टर था, आईपीएल से तो एकदम वही छोड़, डिवोर्स ही ले लिया, हम आईपीएल नहीं देखेंगे, एक साल के लिए डिवोर्स ले लिया। वो तो जाएगा ना बैंक से लेने के लिए, आप गुजरात हो, आप लखनऊ हो, बैंगलोर अच्छा नहीं लगता, आप गुजरात हो, आप लखनऊ हो, ये सब हो, आप राजस्थान रॉयल्स हो, तो आप तो जाओगे ना, मतलब आप तो देखोगे ना। बट आपने जिसको दिया मुंबई का फैन था, वो एकदम एक साल के लिए छोड़ दिया, तो वो टन से जाके बैंक से पैसा लेगा। तो यहाँ पे आप लोग गलती करोगे, गलती इसलिए नहीं कि आप लोग को नहीं आता है बेटा, गलती इसलिए कि जब चेक इशूड आता है एक फीलिंग्स आता है, नॉट प्रेजेंटेड नॉट प्रेजेंटेड। और ये प्रोफेशनल है, उनको आपका हर एक पल्स पता है, उन्हें सब कुछ आपका पता है, नर्व पता है। उन लोग ऐसे ही क्वेश्चन डालेगा, और जो बच्चा इसको अच्छा से पढ़ेगा, समझ के पढ़ेगा, वो सीए बनेगा। और जो हवा हवाई करेगा उसे मैं समझाऊंगा, वो भी सीए बनेगा। हाँ डरना मत, सब सीए बनेगा, प्रेरणा में आ गए तो कोई नहीं छूटेगा। आप हमें छोड़ के भाग जाओ तो अलग बात है, अगर आप हमारे पास हो, आप अच्छे हो तो बनेगो, या आप बुरे हो तभी मैं प्यार से बनाऊंगा। और संगत का असर भी तो होता है ना, तो आप हमारे संगत रहोगे तो बन जाओगे। ये ध्यान देना, यहाँ से डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो ये एंट्री कहाँ पे हो गया है? बैंक पे हो गया है ना बेटा। आपने 200 रुपया का चेक दिया, डन बेटा, कैश बुक में एंट्री नहीं किया। भाई क्यों नहीं किया? हाईवे में बिजी था। ओके, आईपीएल सैटरडे को कितने बजे मैच होता है? हाँ 2 बजे से एक्स्ट्रा इनिंग्स वगैरह चालू होते हैं ना, 12 बजे से फीलिंग्स आ जाता है। चेक दिया, एंट्री करना भूल गया, आईपीएल का फीलिंग्स आ गया, एंट्री नहीं किया, वहाँ से तो पेमेंट हो गया। तो ये क्या हो गया बेटा? 800 डन बेटा, 800 डन। ओके ओके, कैश बुक में क्या होगा? 1000। सही है, बैलेंस बराबर है? नहीं है, डिफरेंस है। देन बेटा राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, चेक इशू किया, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बट बैंक से पेमेंट हुआ। ओ सॉरी सर, पासबुक कम हो गया, डिफरेंस आया, मंडे को आएगी पिलन की घड़ी। फिर से सुनो, आप लोग हाथ डाउन, राइट हैंड कैश बुक,
लेफ्ट हैंड पासबुक चेक इशू करने से इशू करने फीलिंग्स आता है कैशबुक वाला, अरे हम ही तो इशू करते ना, क्या फीलिंग्स आता है कैशबुक वाला। और बैंक में ट्रांजेक्शन तो फीलिंग्स किधर आएगा, बैंक पासबुक वाला। चेक इशू किया कैशबुक में नो एंट्री, कैशबुक में नो एंट्री, कैशबुक में नो एंट्री, बैंक से पेमेंट हो गया कम गया, डिफरेंस आ गया। फिर से चेक इशू कर आपने चेक इशू करने से फीलिंग्स कहाँ आता है, कैशबुक में एंट्री। ओ नहीं हुआ, मैं करने वाला था, लिखा देखो एंट्री नहीं हुआ, पासबुक कम गया, डिफरेंस आ गया, आ गया। ठीक है अब क्या करें, ओह सॉरी मंडे को मिलाई गया। ठीक है बेटा ये इसमें गलती करोगे, इसलिए आप लोग अच्छा से पढ़ने से देखो दिख रहा है ना, चेक इशूड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैंक से कम गया, कैशबुक में एंट्री नहीं आया, दिख रहा है ना यहाँ पे। yes, बच्चे के तो इतना रिपीट कर रहे हैं, आप लोग बच्चे मत बन जाओ, समझ में आ गया ना? yes, पक्का? yes, एकदम पक्का? yes, ये बेटी समझा देगी अपने हाथों से, अपने हाथों से। वाह एकदम फाइन। ऐसे कर दो, हाँ ठीक है। और बैंक कम गया, हाँ। बस ठीक है, और कुछ कुछ बोलोगी? डिफरेंस आ गया और मंडे को आएगी मिलेगी। गुड बेटा आप बोलो, एकदम पूरे सुर ताल में बोलो ना, राइट हैंड एकदम प्यार से बोलो, लेफ्ट प्यार से नहीं बोलना आता, आप प्यार नहीं किए कि किसी से अभी तक नहीं किए क्या, प्यार से बोलो। हाँ प्यार करना बर्बादी है इस राम, किसने बोला यार, तो मैं कभी बर्बाद हो जाता, बहुत प्यार किया मैंने। चलो अच्छे से बोलो बेटा, आप सबसे प्यार ही तो करता हो, बच्चा हुआ है तुम्हें बर्बाद हो गया हो बेटा, आप गलत सेंस ले रहे हो, आपसे गलत बात नहीं करेंगे, इंटर में करेंगे, अभी अच्छा बात करेंगे। बोलो बेटा बेटा, इसको लिख लिया सबने, इसको लिख लेंगे, डन। यस सर। कितना नंबर होगा बेटा? 10 सिखाएंगे, इसको आप लोग अच्छा से पढ़ना, और नेक्स्ट क्लास में आके फिर 10 का 10 में आधा घंटा में रिविज़न कराऊंगा, ये 10 पॉइंट सीख जाएंगे तो बेटा कभी ठोकर नहीं खाएंगे। बेटा आप लोग एक डिजोनर्ड का नाम सुना है, चेक डिजोनर्ड का नाम सुना है ना, आपने चेक दिया फिर उसका पेमेंट नहीं आया, डन बेटा, तो ऐसे डिजोनर्ड भी हो जाता है। डिजोनर्ड होने का मतलब ये समझिएगा आप लोग कि बैंक पे एंट्री नहीं हुआ, डिजोनर्ड हुआ मतलब बैंक पे एंट्री नहीं हुआ। तो दो टाइप के चेक डिजोनर्ड होते हैं, एक हम लोग चेक इशू करते हैं वो भी डिजोनर्ड हो सकता है, मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ओवर राइटिंग हो गया, बैंक में पैसा नहीं है, ये सबसे बुरा हाल है, बैंक में पैसा नहीं है, ठीक है, तो डिजोनर्ड हो जाता है। डन बेटा, कोविड पीरियड में तो नहीं था, आप लोग आए थोड़ा बाहर आई है, अदरवाइज तो सूखा ही सूखा था जिंदगी। आगे चेक इशूड बट डिजोनर्ड, चेक इशूड है, चेक क्या क्या बेटा, इशू। जब मैं चेक देता हूँ किसी को भी, टीचर्स को 200 रुपया का चेक दे दिया, तो कैशबुक में एंट्री करता हूँ बेटा, करते हैं ना बेटा, चेक इशू करने से कैशबुक में एंट्री करता है ना बेटा, सेकंड बेंच, ओ सेकंड बेंच सिस्टर, बुझी भाई सिस्टर ना, चेक इशू करने के साथ साथ मैं एंट्री करूँगा ना बेटा, रेंट दे दिया तो रेंट टू चेक, सैलरी दे दिया तो रेंट टू बैंक, सैलरी दिया तो सैलरी टू बैंक लिखूंगा ना, तो कैशबुक का बैलेंस क्या कर दूंगा, कमा दूंगा। चेक इशू करने के साथ साथ कैशबुक का बैलेंस कम जाएगा, अरे इशू करेंगे तो कैशबुक का बैलेंस तो कम ही गई ना, तो मैं ही दे रहा हूँ ना चेक आपको सिस्टर, सेकेंड बेंच समझ में नहीं आ रहा आपको, सच बोल रही हो तो चेहरे में खुशी रखो, स्माइल प्लीज, फोटो क्लिक करे अभी हंसने लगेगी। ओके चेक इशू, चेक इशू करने से बैंक बैलेंस कम था, कम गया,
हाँ कम गया, इको भी हो रहा है उधर, बट डीज ऑन इट, बैंक से पेमेंट नहीं हुआ, नो एंट्री, डिसऑनेस्ट का मतलब जानते हो ना कि बैंक से पेमेंट नहीं हुआ, ठीक है, वो आके मेरा सर फोड़ेगा अलग बात है कि आपने क्या दिया ऐसा वैसा, फिर उसे हम दे देंगे पैसा वैसा, लेकिन अभी तो डिसऑनेस्ट हो गया, तो चेक जैसे मैंने इशू किया हम लोग कैश बुक में एंट्री लिख दिया पेमेंट का, इतना ना बेटा चेक इशू किया पेमेंट किया लिख दिया ना एंट्री, कल सिखाए थे ना बेटा, अरे कैश बुक का बैंक कॉलम सिखाए थे ना पेमेंट, मैं तो एंट्री हाथों हाथ कर दिया, देखो मेरा बैलेंस भी कम गया ना, तो चेक इशू करने से बैलेंस कम जाता है, डिसऑनर्ड हुआ तो बैंक से पेमेंट नहीं हुआ, तो बैंक में बैलेंस कितना रहेगा, दोनों डिफरेंस है ना बेटा, राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, चेक इशू करने से कैश बुक कमता है, कम गया, बैंक से पेमेंट नहीं हुआ, डिसऑनर्ड हो गया, कंगाल था आरजी कंगाल था, ठीक है, डिफरेंस आ गया, नो है डिफरेंस आ गया, मंडे को आएगी मिलन की घड़ी, डन डन, फिर से राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, चेक इशू करने से कैश बुक कमता है, कम गया, बैंक पे नो एंट्री, चेक डिसऑनर्ड हो गया, आरजी कंगाल था, कंगाल हो गया नहीं, हाँ आप आने के बाद कंगाल होगा क्या, इतने बच्चे पढ़ाने के बाद कंगाल होगा क्या, नहीं होगा ना, बोलो भाई, अभी तो और भी तो बच्चे बढ़ेंगे ना, तो कैसे कंगाल होगा, डोंट से कंगाल है, कंगाल था बेटा, कभी पार्टी उठी देंगे ना तो इसका नाम हटा देना, इसको बोलना बेटा तू बोला था कंगाल है, था बोलना, इसका नाम क्या है, इस ये गया, कभी पिज्जा मंगाए, कभी आइसक्रीम मंगाए, कभी समोसा मंगाए, तो कौन ऑमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट होगा, तो ये गया, बोले गया कंगाल हो गया, हम कैसे खेला है, देन बेटा एक बार लास्ट आते हम जाते, कमान, राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, चेक इशू करने से कैश बुक कमता है, कम गया, बैंक से नो पेमेंट, डिसऑनर्ड हो गया, हाँ कंगाल था, हम आए बाहर आए, बोलो बाहर आए, ओके अब बोलो डिफरेंस आ गया, मैंने देखो आएगी बिलन घेड़ी, आई होप आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया एनालिसिस करने का, ऐसे तो 11 में पढ़े ही थे, तो मैं 11 को तो जीरो मान लेता हूँ और फिर से शुरू करता हूँ और एक सिखा देता हूँ, फिर छुट्टी छाप लो, ओके चेक इशूड बट डिसऑनर्ड, चेक इशूड बट डिसऑनर्ड, डन बेटा, टेंथ नंबर ना, चेक डिपॉजिटेड, अभी बताए थे ना एक स्टूडेंट का चेक आया था लास्ट बैच में, वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड, आप उस समय पढ़ने आ जाते तो मैं सीख लेता ना यार, आप लोग लेट आए ना, बड़ा प्रॉब्लम हो गया, अभी बैच खत्म हुआ उसके बाद पता चला कि चेक ही क्लियर नहीं हुआ, विनोद भैया गए और वो पैसा देने कब आएगा, कल तो यानी मंडे को पार्टी मांग सकता है, सर आपका तो डूबा हुआ पैसा आ गया, हम आए तभी तो बीआरएस सीखे आप, हमसे ही तो वो पैसा कमाई हुआ, तो सारा पैसा हम पे खर्चा कर रहा सिंगल भाई को छोड़ के, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट बट डिसऑनर्ड,
तो आपसे ट्यूशन फी आया चेक से और मैंने बैंक पे डिपॉजिट कर दिया ना बेटा। जैसे डिपॉजिट करते ना तो हम लोग एक बैंक का रजिस्टर है उसमें हम लोग प्लस कर देते, बैंक बैलेंस बढ़ गया। ओए हाथ ही नहीं बताया। राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, चेक डिपॉजिट करने से कैश बुक बढ़ता है, पासबुक में नो एंट्री, डिसऑनर्ड हो गया, डिफरेंस आया। फिर से राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, चेक डिपॉजिट करने से कैश बुक बढ़ता है, बैंक पे नो एंट्री, डिसऑनर्ड हुआ, डिफरेंस आया। विलन की घड़ी। ओके और यहाँ कितना लिखो बेटा, डिपॉजिट कर दिया 200, 1200, बैंक पे नो एंट्री, डिफरेंस आया, छाप लो। बेटा आप लोग उड़ नहीं रहे तो दो और बढ़ा दो, एक डजन लेके जाओ घर। उड़ तो नहीं रहा बेटा, उड़ी रहे नहीं उड़ी रहे, एक डजन लेके जाओ। यस डाउट भाई, एनी वन एनी डाउट, शर्माना नहीं डरना नहीं, आप सीए सीएमए बनने आए हो, आप इंडिया का फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, जितना मर्जी उतना पूछना, जब तक नहीं समझेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसे सोचना, डन। और ये इंसान एकदम मजा आता है सिखाने पे, क्योंकि आप ही तो हो जिसको मैं सिखा सकता हूँ। घर में आके कुछ बोलते हैं ना तो बोलते आओ किचन में बना लो, तो घर में सिखाने तो चलते ही नहीं, मेरा एक ही जगह है जो मेरा चलता है, यहाँ खड़ा होके। और घर जाने के बाद तो बोलती बंद, ज़्यादा बोलते तो ऐसे डालो ऐसे डालो, आइए आप बना लीजिए, बस आता है नहीं, तो मेरा सुनने वाला इधर ही है, तो मेरे को मज़ा आता है कोई बच्चा पूछता है तो बोले और बताओ, घर में तो चलता है नहीं, इधर तो चले कम से कम, यहाँ तो कोई रेस्पेक्ट देता है, आई मीन समझता है हमें कि हम भी कुछ है, घर जाओ तो डैश समझते हमें, कुछ पूछते भी नहीं है। तो मेरे को बहुत मज़ा आता है समझाने में। दिमाग संतुलित है आप लोगों का, दिमाग ऑल वेल, या कितना नंबर बेटा? बैंक में कौन बैठता है, रोबोट बैठ के काम करता है क्या? इंसान ही तो बैठता है ना। और जो मैम बैठी है ना, सुबह अपने अपने हस्बैंड से डिशुम डिशुम करके आई है, मतलब झगड़ा करके आई है, जो मैम देख रही है ना अकाउंटिंग का एंट्री करती है ना, वो सुबह झगड़ा करके आई, वो बोली थी कि आज हमको KGF 2 जाना है कल, हस्बैंड बोलने आई एम वेरी बिजी, एकदम गुस्सा हो के आई, ब्रेकफास्ट वेज भी नहीं की, आके काम करेगी तो काम सही होगा ना गलत होगा? जो अपने पति देव से झगड़ के आएगा सिनेमा के लिए, वो तो यहाँ तो एकदम बवाल मचाएगी, गलती करती है देखो, और गलती करके पता है मेरे किस्मत बना दी, देखो कैसे। बैंक क्रेडिटेड आवर अकाउंट बाय मिस्टेक, बैंक क्रेडिटेड, ओके हमारा अकाउंट, मतलब मेरा अकाउंट बाई मिस्टेक, बाई मिस्टेक तो वो भी करती, वो भी तो करते सर बैंक में, आप उनको ही देखते हो, जेंट्स नहीं दिखता, चलो जेंट्स भी है ठीक है, मैम बोलने में अच्छा लगता है, तो मैम हो या सर हो, गलती नहीं करते क्या वो लोग? तो ऐसा फीलिंग्स आएगा क्या, मैम वहां पे मेरे अकाउंट पे गलती से डाल दी, हम भी डाल दो टीडी, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। बैंक स्टेटमेंट आएगा, हम देखेंगे यार हमने तो जमा ही नहीं किया, और देख रहा हमारे बैंक पे क्या हो गया, जमा हो गया डिपॉजिट, ठीक है मैं बहुत ऑनेस्ट इंसान हूँ, किसी के पैसा पे नजर नहीं लगाता, तुम लोग होता अच्छा ये नहीं बताएंगे मिल गया ठीक है, मैं बोलूंगा सुनिए सुनिए मैम कोई और का पैसा हमारे अकाउंट में डाल दिए, हटाइए फटाफट, तो हम तो उसका एंट्री नहीं किया था ना, अब तुम लोग होते क्या बताओ, ऐसे बोलोगे ना, पाप दिमाग में है तुम लोग का, देखो कलजुग के लोग हैं, और मैं देखो 50 ईयर्स पुराना इंसान, कितना दिमाग मेरा अच्छा चल रहा है और कितना विचार मेरा अच्छा है,
किसी और का पैसा मैम गलती से मेरे अकाउंट में डाल दे, डन बेटा। क्रेडिटेड, बेटा आप लोग को मैं लास्ट क्लास फर्स्ट क्लास सिखाया था, बैंक आपका अकाउंट क्रेडिट करता है तो आपके बैंक में बैलेंस बढ़ जाता है। तो फिर बैंक ने 50 रुपया क्रेडिट कर दिया आपका अकाउंट, तो बैंक में बैलेंस कितना हो गया 1050। हमने तो पैसा जमा ही नहीं किया था, हमने तो कुछ किया ही नहीं था, तो हमने एंट्री किया उसका नहीं। क्या नहीं। और ये चोर लोग होगा तो बोलेगा कर लेते हैं ना, ऐसे नहीं नयाल, ऐसे नहीं बाई मिस्टेक। मोदी जी तो बोले थे 15 लाख देंगे जो फर्स्ट इलेक्शन आए थे, तो सेकंड बार भी बन गए नहीं दिए, और जरूरत भी नहीं हम लोग को मोदी जी का 15 लाख, हम लोग मेहनत करके कमाएंगे, सीए बन रहे। तो बैंक कैशबुक में एंट्री हुआ ना नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो फिर बैलेंस बराबर है क्या नहीं। राइट हैंड कैशबुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, बैंक ने क्रेडिट किया पासबुक बढ़ गया, कैशबुक नो एंट्री डिफरेंस आया, को आएगी विलन की घड़ी, डन। फिर से राइट हैंड कैशबुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, बैंक ने क्रेडिट किया पासबुक बढ़ गया, कैशबुक नो एंट्री डिफरेंस है। बेटा मेरा हाथ देखोगे आपको उल्टा लग रहा होगा ना, मैं वैसे हो जाऊँ, राइट हैंड ऐसे करना पड़ेगा, फिर ऐसे मेरा हाथ मत देखो, अपने हाथ को देखो ना, गलती हो जाता है ना मेरा हाथ देखते से। हाँ अलग, आग बंद करके बोलना, आग ही, अब नेक्स्ट टाइम से ना आग भी बंद करना, क्योंकि मेरे को जो देखोगे वो गलती हो जाएगा ना, क्योंकि मेरा हाथ आपका हाथ उल्टा दिखता है ना, उधर से बोलो ना भाई। हाँ यस, ठीक है। इज इट ओके टू एवरीवन? बेटा सम्स में रुलाना मत, सारा सम्स आपको करना है, और एग्जाम का पेपर तो बेटा आपको ही करना है, और एग्जाम के क्वेश्चन में आके यहाँ पे ऐसे नहीं बोला सर ये वाला समझ में नहीं आया, ये वाला समझ में नहीं आया, प्रेरणा में ना सम्स नहीं समझना है, सम्स का जो बेसिक्स है वो समझ के खुद करना है। अभी तक आप लोग 12th तक पढ़ते होगे तो ऐसा होता होगा सर के पास जाते ये सम समझ में नहीं आया, ये नहीं, प्रेरणा में ये सम नहीं, ये कंसेप्ट, कंसेप्ट के पीछे भागते हैं, और कंसेप्ट समझ जाओगे ना तो सम्स खुद हो जाएगा, डन बेटा। सम्स वाइज हम लोग नहीं रहते, हम लोग ना तो संसार का सारा पॉइंट्स कवर कर लेंगे, अब आओ बेटा किधर से आने वाले, और 11th 12th में क्या होता है सम्स ओरिएंटेड हो जाते हैं, और प्रेरणा पे प्रोफेशनल क्लास में सम्स ओरिएंटेड नहीं है, कंसेप्ट बेटा ये सीख लो, अब आने दो कैसे भी आएगा कर लेंगे। आप लोग कुछ सम्स में कोई पॉइंट नहीं समझे ना, बोले ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, ऐसे बोलना, सम नहीं बोलना, क्या बोलना, पॉइंट समझ में नहीं आया, ये वाला एडजस्टमेंट समझ में नहीं आया, सम को मत बोलना, ठीक है, वो थोड़ा डाउन दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है, हम लोग सारा पॉइंट्स पढ़ेंगे, छाप लो, बस एक डजन होने वाला है, जल्दी करो। बेटा बैंक क्रेडिट करने से क्या होता है, बेटा बैंक क्रेडिट करने से जमा होता है ना बेटा, बैलेंस क्या होता है बेटा इंक्रीज, लिखाए थे ना फर्स्ट डे, पढ़ पढ़ के आना बेटा, मैं रिवाइज भी करूंगा, मेरे साथ बोलते बोलते भी याद हो जाएगा, बैंक क्रेडिट करने से क्या होता है जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है ना बेटा, बैलेंस बढ़ जाता है, डन बेटा। ओके एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर सेकंड क्लास, बैंक से गलती होता है ना बेटा, भाई किसी और का पैसा किसी और में डाल दिया तो किसी काट भी तो सकता है ना बेटा, तो बेटा बैंक डेबिटेड आवर अकाउंट बाई मिस्टेक, डेबिटेड करने से क्या हो जाएगा कम जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना बेटा, कहाँ पे हुआ पासबुक में, बैंक हमने कुछ किया ही नहीं था ट्रांजेक्शन, और हमसे नहीं काटना चाहिए था, वो दूसरा रमेश गुप्ता से काटना चाहिए था, इस रमेश गुप्ता से काट लिया, डन। तो जैसे मैं स्टेटमेंट लाऊंगा देखूंगा अरे 50 रुपया काटा है, फिर मैं बैंक के पास जाऊंगा बोले कि आपने क्यों काटा, बोले नहीं आपने पेमेंट किया, एक साल हो गया आपने कुछ पेमेंट ही नहीं किया, तो फिर चेक करेगा, तो फिर जिसके अकाउंट फिर ठीक करेगा बैंक, ठीक कर देगा बैंक, डन बेटा ठीक कर देगा, हाँ बैंक वाले ठीक कर देंगे, ठीक है, नहीं तो पुलिस स्टेशन में FIR कर देंगे,
डरा देंगे, आप गलती से मेरे अकाउंट से पैसा काट रहे, अब भी पुलिस स्टेशन, अभी आंटी पुलिस बुला लेगी। डन, -50 डन बेटा, कर लिया, बैंक गलती से काट लिया ना। अगर आप BRS नहीं बनाओगे तो ये पता चलेगा क्या? देख BRS का हर पल हर एक जगह में सिखा रहा हूँ कितना इंपॉर्टेंस है। अगर मैं BRS नहीं बनाता तो वो डिसऑनर्ड कभी दिखता ही नहीं, वो बच्चा CA भी बन जाता, हम उसका शेयर भी टीचर को दे देता, सड़क पे आ जाना पड़ता यार। ये लोग भी बुला के खोल दिया, हम भी चेक देंगे अब बेटा, BRS रोज बनाने बोलेंगे बैंक को विनोद। और ये देखो ये ट्रांजेक्शन आपने तो किया ही नहीं था, बैंक गलती से आपके अकाउंट से काट लिया। अगर आप BRS नहीं बनाओगे तो ये डिटेक्ट ही नहीं होगा, और डिटेक्ट ही नहीं होगा तो बैंक पे जाके बोलोगे नहीं, और बोलोगे नहीं तो आपसे कटेगा नहीं, आपका वो जो काटा था वो ठीक नहीं करेगा, तो ऐसे क्या आपके वो अकाउंट से कितना 50। सो लुक द इंपॉर्टेंस ऑफ BRS इन आवर लाइफ। डन, 950 हो गया, कैश बुक में एंट्री हो गया, हो गया। हम लेके बैंक काट दिया, बड़े लोग हम भी काट लो, ऐसे ही क्या ले तो क्या होगा बेटा? राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, बैंक। सृष्टि क्या हुआ? सृष्टि बैंक पे आ जाओ। बैंक ने काट ली, बैंक डेबिट किया, बैलेंस कम गया, कैश बुक नो एंट्री। क्यों नो एंट्री? डैश मत बोल देना। क्यों नो एंट्री? क्योंकि हमने ट्रांजेक्शन ही नहीं किया। बैंक बोलता कि दूसरा कोई काटा हम आपसे काट लेंगे, तो मैं एंट्री करता क्या? तो भी तो नहीं करता कि कैश बुक में वाई नो एंट्री, बैंक डैश है। ऐसे डैश मत बोल देना, दुख लगेगा उन्हें, क्योंकि हमने ट्रांजेक्शन ही नहीं किया तो हमने एंट्री भी नहीं किया। अब डिफरेंस आ गया, लास्ट आज का लास्ट, राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, सृष्टि बैंक पे, पासबुक कम गया, कैश बुक में नो एंट्री, डिफरेंस आया, मंडे को आएगी की कड़ी। दैट्स इट आज के लिए। छाप लो, आप लोग घर में पढ़ना, फिर मैं भी रिवाइज कराऊंगा। बेटा छाप, वो तो पैकिंग कर रहा है, पहले छाप लिया बेटा, चोर निकला, विदाउट परमिशन तुमने छाप लिया, समझ में आ गया तुमको अच्छा से? अब इंजॉय करो बेटा। हाथ तो दुखेगा तो रमेश गुप्ता को ब्लेम मत कर देना, छोटी छोटी बच्चे बच्चे गुड़िया लोग, आज सर ने इतना हाथ में ऐसे वैसे कराया ना, ऐसे मत बोल देना, बोलेगी घर पे मत बोलना प्लीज। ये कॉपी हो गया बेटा, आप लोग फर्स्ट दोनों क्लास का नोट्स पढ़ना, मैं रिवाइज कराऊंगा अच्छा से नेक्स्ट क्लास में, और हम लोग BRS के सम स्टार्ट कर देंगे अब।